जय श्री राम। आज का विषय है भरद्वाज। महर्षि भरद्वाज हमारे प्राचीन विज्ञान वेत्ताओं में से एक महान विभूति हैं। दुष्यंत शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के कोई पुत्र जीवित न बचा। राजा भरत द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए मुरुत्सोम नामक यज्ञानुष्ठान से प्रसन्न हो मुरुद्गणों ने अंगिरस गोत्र के से में उत्पन्न महर्षि उतथ्य की पत्नी ममता और बृहस्पति के द्वारा उत्पन्न पुत्र जो उन्होंने वन में छोड़ दिया था, माता पिता द्वारा त्यागे गए शिशु भरद्वाज को मरदगणों ने उठाकर राजा के हाथों में दे दिया। भरद्वाज अंगिरस गोत्र से उत्पन्न हुए एक वैदिक ऋषि हैं। ये गोत्र प्रवर्तक तथा वैवस्त मन्वंतर के सप्त ऋषियों यानी कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज इन सप्त ऋषियों में से एक हैं। कश्यपो त्रिवशिष्ठश्च विश्वामित्रोय गौतमः जमदग्नि भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृता। महाभारत के अनुसार अजय, धनुर्धर, कौरव और पांडवों के बीच के गुरु आचार्य द्रोण धृताजी अप्सरा से उत्पन्न हुई इन्हीं के पुत्र थे। भरद्वाज से भूतल पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों प्रकार तस्मादपि भरद्वाजाद ब्राह्मणा क्षत्रिया भुवि। अयोध्या नरेश भगवान श्री राम भी वन जाते समय भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए थे। ऐसा उल्लेख भरद्वाज भूपागतम अयोध्या कांड 54:9 में आया है, जहां मुनि ने एक गौ व अर्ध जल देकर सत्कार किया था और निवास करने योग्य चित्रकूट इति ख्यातो व अयोध्या 54:29 चित्रकूट पर्वत पर रहने की सलाह दी थी। 14 वर्ष पूर्ण कर अयोध्या लौटने पर लक्ष्मण सहित भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जा प्रणाम किया। पूर्णे चतुर्दशे वर्षे भरद्वाजाश्रम प्राप्य। ऐसा उल्लेख वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 124:1 में आता है। तीर्थराज प्रयाग यानी संगम के पास आश्रम था। भरद्वाज मुनि के दो पुत्रियां जिनमें से संभवतः मैत्रेयी महर्षि याज्ञवल्क को और दूसरी इडवीडा यानी इलवीला पुलस्य पुत्र विश्रवा मुनि को दी। मुनि भरद्वाज धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में गए थे तथा शरशय्या पर पड़े भीष्म से भी मिले थे। वह प्रायोपवेश के समय राजा परीक्षित से भी मिले थे। वायुपुराण 65:103-207 तथा 59:101 के अनुसार ये आयुर्वेद शास्त्र के आदि प्रवर्तक भी है, जिसे इन्होंने 8 भागों में बांटा था और इन भागों को पृथक पृथक शिष्यों को अध्ययन के लिए दे दिया। आयुर्वेद की शिक्षा इन्होंने देवराज इंद्र से प्राप्त की थी। भाव प्रकाश, काशीराज, दिवोदास व धन्वंतरी इन्हीं के शिष्य थे। आयुर्वेद के धुरंधर ज्ञाता के साथ ही मंत्र, यंत्र और तंत्र तीनों ही क्षेत्रों में पारंगत थे। ऋग्वेद के मंडल 4:25-26 में ऋभुओं द्वारा 3 पहिए वाले रथ का वर्णन मिलता है। देव वैद्य अश्विनी कुमार द्वारा निर्मित पक्षी की तरह उड़ने वाले त्रितल रथ, विद्युत रथ और त्रिचक रथ का उल्लेख पाया जाता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित पुष्पक विमान के नाम से सभी परिचित हैं। पुष्पक नाम भद्रम ते विमानम सूर्य सन्निभम मम भ्रातु कुबेरस्य रावणेन बलीयसः। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 121:9 विभीषण राम से कहते हैं, प्रभु मेरे बड़े भाई कुबेर का सूर्यतुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान मौजूद है, जिसे महाबली रावण ने कुबेर को हराकर छीन लिया था। वह इच्छानुसार चलने वाला दिव्य एवं उत्तम विमान है। लगभग 6 दशक पूर्व तक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर वामनराव काटेकर ने अपने एक शोध प्रबंध में पुष्पक विमान को अगस्त्य मुनि द्वारा निर्मित बताया था।
जिसका आधार अगस्त संहिता की प्राचीन पांडुलिपि है। अगस्त की अग्नियान ग्रंथ के संदर्भ में अन्यत्र के संदर्भ अन्यत्र मिले हैं। महर्षि भरद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा, उसका एक भाग वैमानिक शास्त्र है, जिस पर बोधानंद ने टीका लिखी है। आज यंत्र सर्वस्व तो उपलब्ध नहीं है तथा वैमानिक शास्त्र भी पूरा उपलब्ध नहीं है। जितना भी उपलब्ध है उससे विश्वास होता है कि पूर्व में विमान एक सच्चाई थी। बोधानंद कहते हैं यह ग्रंथ 8 अध्यायों में विभाजित है तथा उसमें 100 अधिकरण तथा 500 सूत्र हैं। भरद्वाज मुनि कहते हैं कि विमान के रहस्य को जानने वाला ही चलाने का अधिकारी है। शास्त्रों में विमान चलाने के 32 रहस्य बतलाए गए हैं, जिनका ज्ञान किए बिना कोई भी सफल चालक नहीं हो सकता। विमान चालक को दिन में 5 बार भोजन करना चाहिए, कभी खाली पेट विमान नहीं उड़ाना चाहिए। 1990 में अमेरिका ने 10 वर्ष के निरीक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकाला है। विमान शास्त्रों में 31 प्रकार के यंत्र तथा उनका विमान में निश्चित स्थान तथा कार्य का भी वर्णन मिलता है। विमान चलाने के लिए भरद्वाज मुनि 4 प्रकार के ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करते हैं, वनस्पति तेल, पारे की भाप, सौर ऊर्जा और चौथा वातावरण की ऊर्जा। आज अमेरिका अंतरिक्ष से ऊर्जा के बारे में शोध कर रहा है। यह वर्णन बताता है कि ऊर्जा स्रोत के रूप में प्राचीन भारत में कितना व्यापक विचार हुआ था। महर्षि भरद्वाज सप्तऋषि दार्शनिक के साथ एक उच्च कोटि के वैज्ञानिक भी थे। भारत माता की जय।